बहू की नौ रूप। ममता बहुत ही समझदार और होनहार लड़की है, जो उससे मिलता उसे पसंद करता। ऐसे में देखो ममता, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे, नहीं तो किसी से नहीं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एक बार मम्मी पापा को लेकर मेरे घर आ जाओ, देखते हैं क्या बात होती है। बड़े मान गए तो। अगले दिन रोहित के माँ बाप ममता के घर आते हैं। हे भगवान, कितना बड़ा बंगला है बेटा, ये तो बड़े घर की पढ़ी लिखी लड़की है, ये क्यों करेगी हमारे घर शादी। तभी ममता के माँ पापा भी आ जाते हैं, दोनों ही काफी सरल और सुलझे से। आइए आइए, ममता ने बताया आप लोगों के बारे में। देखिए रोहित अच्छा कमा रहा है, आगे तरक्की करेगा तो अच्छा ही करेगा। बाकी ममता भी पढ़ी लिखी है, अच्छी नौकरी लगने में देर नहीं लगेगी, क्यों रोहित? हाँ आंटी, वो क्या है ना, मैं बहुत मेहनत करूंगा और मैं वादा करता हूँ मैं ममता को हमेशा खुश रखूंगा। अरे कोई हमें भी पूछ लो, या फिर रिश्ता पक्का हो ही गया हो तो हम चले जाएं। अरे अरे कैसी बात करिए बहन जी, बच्चों को तो आप ही ने संभालना है, क्यों ममता की माँ? खैर, रोहित की माँ को अपनी बेइज्जती लगती है और वो सोच लेती है कि वो सारा बदला शादी के बाद ममता से लेगी। शादी के बाद? हाँ तो ममता, क्या क्या आता है? देखो शादी तय करते वक्त तो हमें बस मूर्ति की तरह बिठा दिया गया था, पूछने का मौका ही नहीं दिया कि कैसे शादी तय करते। माना तुम बड़े घर की बेटी हो, लेकिन बेटे को मैंने भी इस लायक बनाया है कि वो भी कल को बड़ा घर ले सके, समझ रही हो ना? जी माँ जी, वो क्या है ना, काम तो मुझे कुछ खास नहीं आता, लेकिन सीख जाऊंगी माँ जी। पढ़ाई लिखाई के चक्कर में कभी माँ ने काम नहीं करने दिया। माँ तो माँ होती है, लेकिन यह भी जानती होगी ना कि सास कभी माँ नहीं होती, ना हो सकती है, ठीक है? ममता क्या कहती, आदत ही नहीं थी कि कोई उससे ऐसे बात करे, तो वो मान जाती है जो कुछ भी सास कहती है। बहू तुझे तो पता है बाहर का दूध कितना महंगा और मिलावट भरा होता है, वो आंगन में जो गाय खड़ी है ना, रोज सुबह शाम उसका दूध निकाला कर, समझ गई? लेकिन माँ जी मुझे तो ये काम बिल्कुल नहीं आता। अरे तो सीख ले, तू ही तो बोल रही थी ना कि सीख लेगी। देख बहू, गाय हमारी माता होती है, वो दूध दे रही है ये एहसान है, लेकिन तू सर पर पल्ला रख कर साड़ी पहन कर ही दूध निकालेगी, समझी? जी माँ जी। अब जो ममता जींस टी शर्ट के बिना कुछ ना पहनती थी, पति के उठने से पहले ही साड़ी सर पर पल्ला रख कर गाय का दूध निकाल रही होती है। हायरी, ये काम तो बड़ा मजेदार है, चलो एक सेल्फी ले लेती हूँ। ममता घूंघट में सेल्फी लेकर फेसबुक पर डाल देती है, क्योंकि घूंघट में चेहरा नहीं दिख रहा था, कोई नहीं पहचान पाता कि वो ममता है। फिर अगले रोज, यार मैं जब भी सोकर उठता हूँ तुम पास नहीं होती, कब उठती हो तुम? और नहा धोकर तैयार, क्या बात है? मेरा ऑफिस तुम्हारे ऑफिस से पहले होता है ना, और आज तो हमारे ऑफिस में फॉरेन से क्लाइंट्स आ रहे हैं, देखो तो कैसी लग रही हूँ, शादी के बाद पहली बार कोट पैंट पहन कर जा रही हूँ। अरे क्या मस्त कॉर्पोरेट लुक आ रहा है, रुको मैं तुम्हारी फोटो खींचता हूँ। ना प्लीज नो। नो बोलते वक्त ममता का हाथ उसके चेहरे पर था, जिससे उसका चेहरा नहीं दिखता, और ये फोटो भी चली जाती है फेसबुक पर। ये क्या ममता, फोटो में चेहरा क्यों नहीं दिखा रही हो? वो क्या है ना, शादी के बाद ऐसे कपड़े ठीक नहीं लगते। सब ठीक लगता है, कमाने वाली बहू हो तो कुछ भी पहन सकती है। ममता हंसकर पति की बात टाल देती है। फिर अगले रोज, बहू आज कीर्तन है तो ऑफिस मत जाना, पता है ना नवरात्रों का आखिरी दिन है, और हाँ आज ना कोई भारी साड़ी पहन लेना। ठीक है माँ जी। दोपहर में ममता लाल रंग की चुनरी साड़ी में तैयार हो जाती है। सास परेशान सी घूम रही होती है कि क्या हो गया माँ जी? अरे बहू कीर्तन की मंडली नहीं आई और आसपास की औरतों का आना शुरू भी हो गया, फोन किया तो उन लोगों का फोन भी नहीं लग रहा। माँ जी माइक तो है ना हम लोगों के घर पर? हाँ है तो। माँ जी मुझे ना कुछ भजन आते हैं, वही मैं सुना दूंगी। और फिर क्या, पूरे घर में अगरबत्ती और हवन के धुएं के बीच से बहू की मधुर आवाज में संगीत पूरा समा बांध देता है। पास बैठी पड़ोसन कहती है, क्या बात है, रुको बहू की वीडियो बनाती हूँ। धुएं के बीच में ममता के मधुर गाने की वीडियो भी जाती है फेसबुक पर, लेकिन यहाँ भी उसका चेहरा नहीं दिखता। अब बहू के गाने का वीडियो वायरल हो जाता है,
दूसरे दिन ममता की सास के पास फोन आता है। अरे लता जी, आप कैसे फोन करना हुआ? अरे भाई, कौन सी मंडली मंगवाई थी? क्या भजन था आप लोगों के घर का, मान गए, जरा नंबर तो देना। लता जी, मंडली ने तो ऐन वक्त पर धोखा दे दिया था। वो तो मेरी बहू की आवाज है, वही गा रही थी। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, जरा बात तो कराना बहू से, हम भी बधाई दे दे उसे, कितनी अच्छी आवाज है। अरे वो तो इंजीनियर है, वो जॉब पर गई है। अरे वाह, क्या बात है, कितने रूप है तुम्हारी बहू के। लता फोन रख देती है, लेकिन सास अब सासू माँ सोच में पड़ जाती है कि सच में उसकी बहू के कितने रूप है। फिर एक रोज, बेटा जरा अस्पताल ले चल, लगातार चक्कर आ रहा है। अरे माँ, कुछ नहीं हुआ होगा, बस ज्यादा खा लिया होगा, आराम कर, ठीक हो जाएगी। मुझे तो ऑफिस जाना है, जरूरी काम है। बेटा माँ की बात को टालकर ऑफिस चला जाता है। सास सोफे में ही लेट जाती है कि तभी ममता ऑफिस के लिए तैयार होकर आती है। क्या हुआ सासुमा, सब ठीक है ना? नहीं बेटा, पता नहीं क्यों चक्कर पर चक्कर आ रहे हैं। ओ माँ रुकिए, ये तो खतरे की घंटी भी हो सकती है। बहू फट से कमरे में जाकर बीपी नापने की मशीन ले आती है। वो सास की बीपी नाप रही होती है कि पीछे से ससुर जी अपने नए फोन से सास की फोटो खींचते हैं, जिसमें ममता की पीछे से फोटो आ जाती है सास की मशीन से बीपी नापते हुए। क्या हो गया है ममता तेरी सास को? माँ जी को चक्कर आ रहे थे, बीपी लो है पापा जी, मैं घोल दे रही हूँ, मम्मी को सारा दिन पानी में मिलाकर पिलाते रहिएगा। बहू ससुर को घोल दे देती है। देखो कैसी फोटो आई है, इसमें तो बहू पूरी डॉक्टर लग रही है, बस चेहरा नहीं दिख रहा। ससुर भी फोटो को फेसबुक पर अपलोड कर देते हैं। सारा दिन वो सास को बहू का दिया घोल देता है और फिर शाम को, माँ माँ कुछ खाने को दे, भूख लग रही है। सास गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आती है। क्या बात है, जब घर से निकला था तो तुम्हें चक्कर आ रहा था और अब? अरे भला हो बहू का, तू तो बिना कुछ पूछे चला गया। उसने मेरा बीपी चेक किया, कोई घोल दिया, दो बार घोल पीकर मेरा बीपी बराबर हो गया, नहीं तो मुझे तो लग रहा था कि मैं मर ही जाऊंगी। तभी बहू आ जाती है। मर कैसे जाती माँ जी, अभी तो आपको अपने बड़े घर में शिफ्ट होना है। कैसी बात कर रही है बहू, सच में कैसे? माँ जी, मैंने और इन्होंने मिलकर कुछ पैसे सेव किए हैं। मैंने नहीं माँ, इस अकेली ने सारी सेविंग्स की है, और इतना ही नहीं, शहर में जमीन देकर फाइनल भी की, और अब ये उस पर मकान बनाने का नक्शा तैयार कर रही है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है बहू, जरा दिखाओ तो डिजाइन। हाँ हाँ पापा बिल्कुल, लेकिन उसके पहले सासू माँ का बीपी एक बार और चेक कर लूँ। बहू सास का बीपी चेक कर रही होती है कि सास उसे देखती है, और फिर उसे लता की बात याद आती है कि बहू के कितने रूप है। सास का बीपी चेक करके वो पेपर के डिजाइन ससुर को दिखाती है, हाथ में पेंसिल लेकर, बिल्कुल किसी आर्किटेक्ट की तरह। वो ससुर जी को घर का नक्शा दिखा रही होती है तो सास उसकी फोटो खींच लेती है। भले ही बहू का चेहरा ना दिख रहा हो, लेकिन साफ पता चल रहा था कि ये फोटो किसी बड़े आर्किटेक्ट की है। बड़ी प्यारी फोटो आई है बहू, इसे तो मैं फेसबुक में डालूंगी। दिन रात मेहनत करती है बहू और घर बन जाता है। फिर जिस दिन गृह प्रवेश होता है, वाह बहू वाह, कितना प्यारा घर है। माँ, ममता ने इसकी दीवार से लेकर फर्श, पर्दे से लेकर बेड, सब कुछ खुद पसंद किया है, और माँ ममता ने ही इस घर का नाम आपके और पापा के नाम पर रखा है। माँ जी, इस बार के नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा हम इस बड़े घर में ही करेंगे। सास की आंख में आंसू आ जाते हैं। जिस घर में तेरे जैसी बहू, जिसके 9 नहीं न जाने कितने रूप है, और हर रूप पूजनीय, बेटा मेरे घर की तो तू ही देवी है।